हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ पुलकित। जो चैप्टर हम रीड आउट कर रहे थे वाटर एंड नेचुरल रिसोर्स, उसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब तक हमने वाटर टेबल तक रीड आउट कर लिया था, उसके आगे देखते हैं डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल बोल दो, या फिर हम कह सकते हैं ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर के अंदर या वाटर टेबल के अंदर डिप्लेशन जितना वो गहराई तक जाता जाएगा, जितनी डेप्थ के लिए करनी पड़ेगी हमें एक तरह से डिगिंग करनी पड़ेगी ट्यूबवेल्स की, ताकि हम पानी निकाल सके, ठीक है। और वो नीचे जाता जा रहा है, उसकी जो डेप्थ है वो बढ़ती जा रही है, इसी को क्या बोलते हैं हम डिप्लेशन। क्योंकि जो पानी का एक तरह से वाटर टेबल है वो घटती हुई जा रही, नीचे की ओर जाते जा रही है, ठीक है। गहराई बढ़ती जा रही है वहाँ पे, ठीक है। अब ये डिप्लेशन है, ये किन किन कारणों से होता है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं वाटर टेबल डिप्लेशन के? सबसे पहला जो मेन रीजन है पॉपुलेशन। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो उनके लिए डिफरेंट एक्टिविटी के लिए, या जो हम करते हैं डेली यूजेस के लिए, नहाने के लिए, बाथिंग, वॉशिंग, ठीक है, ड्रिंकिंग, इन पर्पस के लिए वाटर की वहाँ पर रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। और डिप्लेशन क्यों होता जाएगा? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए, अगर एग्रीकल्चर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो वैसे भी कॉमन सी बात है कि ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड हमें वहाँ पर खेती वगैरह करनी पड़ेगी, ठीक है, ज़्यादा फसल लेने के लिए। और ज़्यादा फसल लेने के लिए ज़्यादा पानी का यूज होगा वहाँ पर, तब भी वाटर है वो उसके अंदर डिप्लेशन आएगा। एक अगर कोई इंडस्ट्रीज हम बहुत सारी लगा रहे हैं, ठीक है, जो कंपनी वगैरह हैं, इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो बहुत सारे लगा रहे हैं कुछ भी प्रोडक्ट बनाने लिए, अब जो भी फैक्ट्री है उसके अंदर वाटर की तो रिक्वायरमेंट होगी किन्हीं बेसिस पे, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो वॉशिंग के ऊपर तो होगी, ठीक है। तो वहाँ पर भी क्या होगा बेटा, पानी है उसको निकालना पड़ेगा। और मेनली मेन सोर्स क्या है अपना, जो एक तरह से प्योर वाटर जहाँ से मिलता है वो क्या है, ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो वहाँ तक क्या जो वाटर टेबल है उसके अंदर डिप्लेशन आता जाएगा। और देख लें एक तरह से स्कैंटी रेनफॉल, अगर बरसात ही कम हो रही है तो वहाँ की जो वाटर टेबल है, अब पानी है एक तरह से सीपिंग वहाँ पर होगी नहीं, क्योंकि बरसात नहीं हुई तो नीचे की ओर डिप्लेशन होता ही चला जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ रीजन है जिनके कारण से जो वाटर टेबल के अंदर डिप्लेशन आता है, ग्राउंड वाटर के अंदर डिप्लेशन आता है, कमी आती जाती है एक तरह से, और गहराई के अंदर हमें जो डिगिंग है वो करनी पड़ती है, ठीक है बेटा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं बचा हुआ चैप्टर। थैंक यू।